इजहार अफसोस करता हूँ। और उसके साथ साथ एक बात मैं अपने दोस्तों के तवसुत से आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि उनके इंतकाल की एक इंक्वायरी होना चाहिए कि वो इतने शॉर्ट पीरियड में उसको ऐसा मर्ज लायक नहीं था कि जिस तरीके से उसका इंतकाल हो। उसकी वजह यह है कि उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ कि उसने एक आमिर जाबिर के ख़िलाफ़ एक ऐसा फैसला दिया जो कि पाकिस्तान के तारीख में मुद्दतों तक याद रखा जाएगा। अब असल इशू पे आते हैं कि शकील पैनल और वकला पैनल ने 28 तारीख को बलूचिस्तान बार कौंसिल का, जो कि हमारे इलेक्शनों में एक अहम इलेक्शन है, उसके सिलसिले में आपस में इत्याद किया और अपने मुश्तरिका कैंडिडेट अनाउंस किए। हमारे क्वेटा के 4 सीट्स थे, 4 सीट में से 2 सीट जो हैं वो वकला पैनल को हमने दिए और 2 सीट जो हैं वो शकील पैनल के पास आए। जबकि इसके साथ साथ जिस दीगर 3 सीट्स जो थे, एक हमारा जो शीन जोब डिवीज़न वाला सीट था वो भी वकला पैनल के आया, और सिब्बी का सीट जो है वो भी वकला के पैनल पे आया। और बट ये हमारा इत्याद था, और हमने ये इत्याद इसलिए किया, ऐसा नहीं है कि हमने सीट्स के लिए इत्याद किया, हमने ये इत्याद वकला के मफाद में, वकला के फलाह बहबूद में इस इत्याद को पाए तकमील तक पहुंचाया। चूंकि जो प्रीवियस रजीम था हम उससे बहुत तग्रीब थे, उन्होंने अपने दौर में वकला के वेलफेयर के लिए कोई ना काम किया, ना कोई तामीरी बात की, न ही किसी फोरम पर वकला के फलाह बहबूद के लिए आवाज़ उठाया। जहाँ पर भी बात की सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की बात की। हम उनके मफादात से बालातर होकर अपने आप को वकला के सामने पेश करते हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाह। कैंडिडेट का ऐलान आप नहीं, मैं उसके बाद तायद करूँगा जी। चार सीट पहले कोई 4 सीट क्वेटा के लिए हमारे वकला पैनल की तरफ से जो 2 सीट फाइनल हुए वो नजम मैंगल साहब हैं और दूसरा मुदस्सर नदीम साहब हैं। जबकि शकील पैनल की तरफ से एक कारी रहमतुल्ला साहब हैं और एक अकबर शाह साहब हैं। ये हमारे 4 हैं। पशीन सीट पर नसरुद्दीन जो है, नसरुद्दीन काकड़, वो हमारा मुश्तरिका कैंडिडेट होगा। और इसी तरह नसीराबाद जोन पर मरगजानी साहब जो हैं, इनायतुल्ला मरगजानी साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। और जो 7वां सीट रह गया उस पे हम मुश्तरिका लायमल करते हुए किसी को भी अपनी हिमायत का ऐलान बाद में करेंगे। और साथ ही एक बात आपके तवसुत से ये कहना चाहता हूँ कि ये आज शकील पैनल और वकला पैनल का जो इत्याद है ये आज का इत्याद नहीं है। मरकजी हवाले से अगर आप देख लें तो मरकज़ में, फेडरेशन में या सुप्रीम कोर्ट वर्षे के हवाले से वकला का सियासत जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। एक वो इंडिपेंडेंट पैनल है जिसका इस वक्त प्रेजिडेंट लाला लतीफ़ अफरीदी है, जिसके हम सारे सपोर्टर हैं, और उसका जो बानी था वो आसमा जहांगीर मोहतरमा थी। दूसरा जो ग्रुप है प्रोफेशनल, जिसका हम अमित खान क़यादत कर रहे हैं। इसका कहने का मकसद ये था कि आज सिर्फ ये हमारा सूबे के हवाले से इत्याद नहीं है, फेडरेशन में भी हम लोगों ने, दोनों ने लाला लतीफ़ को सपोर्ट किया था, उसको भारी अक्सरियत से कामयाब किया था। इससे 2-3 साल पहले भी मतवातर अमाला इसके हवाले से जा रहे थे। मकसद इत्याद का ये है कि आजकल वकला के हवाले से एक ऐसी फिजा बनी हुई है कि तासुब, नफरत और वकला के अंदर एक तकसीम वाला फार्मूला चल रहा है। तो इसके खात्मे के लिए चाहे हमें जो भी कुर्बानी देना पड़े, हमने इसके हवाले से इत्याद किया ताकि हम वकला के मुस्तकबिल को रोशन कर सकें। कि वकला पैनल जिसकी क़यादत कामरा मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन करे थे, उन्होंने हमें मुकम्मल तौर पर अख्तियार दिया। उसमें अब्दुल मालिक कमरानी साहब, नसीर बंगल सही साहब, सलीम अख्तर साहब, अताउल्ला लांगो साहब, मीर साक नौते जई साहब और दीगर जो मेरे साथी रफका यहाँ मौजूद हैं, हम उनकी तरफ से भरपूर इस इतिहाद की जो तायद करते हैं। अब्दुल गनी मैंगी साहब भी, अब्दुल गनी मैंगल साहब भी हैं, नसीराबाद डिवीजन से तशरीफ़ फरमाएँ, और हम इंशाल्लाह आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए
और तमाम इदारों की अपनी हदूद में काम करने के वाले से जो काफ़ी हैं उसकी हम भरपूर हम इसका तआवुन करेंगे। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जैसे इन्होंने मौक़िफ़ तैयार किया उसकी भी हम तायद करते हैं और उसकी इंक्वायरी का भी भरपूर मुतालबा करते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी उसकी की जाए उसमें। और इंशाल्लाह हम तमाम मिलकर बाहर की फलाह के लिए ये इलेक्शन इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करेंगे। बलोचिस्तान बार कौंसल का जिक्र किया, बलोचिस्तान बार कौंसल हमारी आईनी बाड़ी है जी 28 नवंबर सर, ये हमारी आईनी बाड़ी है। ये इलेक्शन कहना 28 तारीख को होने हैं इंशाल्लाह बलोचिस्तान बार कौंसल के पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। जो 28 तारीख को इलेक्शन होने हैं उसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चलूँ, चार सीटें क्वेटा के हैं, चार सीटें टोटल बलूचिस्तान के, सात सीटें चार सीटें क्वेटा के हैं जिसमें क्वेटा जोन उसे कहते हैं, जिसमें क्वेटा जोन में कौन से इलाके हैं मैं उनको थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ। क्वेटा सिटी हुआ, इसके बाद मस्तूं, कलात, खुजदार, नौशकी, दालबंदीन तक ये क्वेटा जोन है जिसके चार मेंबर्स इलेक्ट होने हैं। इसके अलावा मकरान जोन का जिसमें तुर्बत है, खारान है, तुर्बत, खारान, पंजगूर, अब ग्वादर, ये मकरान जोन है। इसके अलावा नसीराबाद, सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद, उस्तामामद तक ये नसीराबाद जोन है, इसका एक मेंबर है। पिशीन, चमन, किला अब्दुल्ला, बारकान, जोब, लोरलाई, ये एक सीट है। तो इसमें दो पैनल्स ने अलायंस किए, जो क्वेटा के चार सीटें हैं दो शकील पैनल के होंगे, दो वकला पैनल के होंगे, जिसमें नजमुद्दीन मेंगल, मुदसर नदीम, कारी रहमतुल्ला और अकबर शाह मुश्तरका कैंडिडेट होंगे, हमारे मुश्तरका उम्मीदवार होंगे दोनों पैनल्स के। इसके अलावा जो पशीन लोरलाई जोन का है उसमें नसरुद्दीन काकड़ हमारे मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इसी तरह सिबी नसीराबाद में जो हमारे मुश्तरका उम्मीदवार होंगे इनायतुल्ला मरगजानी साहब होंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद, क्योंकि आलिया एक इलेक्शन हुआ था क्वेटा बार, हम लोगों ने हर किसी ने अपने पैनल वाइज इलेक्शन कंटेस्ट की थी, इस वजह से अभी कल हमारी अलायंस हुए, लिहाजा हमने पब्लिक के लिए, मीडिया के लिए और आम नास के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि हम सब साथियों की ये पता चल सके कि हम दोनों पैनल से अलाइन किए और अपने मुश्तरका कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। ये पाँच साल के लिए, ये बलूचिस्तान बार कौंसल आईनी जो बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेटरी बॉडी है, उसके इलेक्शन हर पाँच साल के बाद होते हैं और पूरे पाकिस्तान में एक ही साथ इलेक्शन हो रहे हैं। निष्कर्ष नहीं खाई है, नहीं शिकस्त नहीं का ये अब कितना की लियर से हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ दो वोटों से आ रहे हैं, शिकस्त की बात नहीं है। शिकस्त जीत इलेक्शन में जब दो मद मुकाबले होते हैं, एक ने शिकस्त करना होता है और एक ने जीतना है। हम इलेक्शन कंटेस्ट किया, कंटेस्ट करने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ दो वोटों से आ रहे हैं। अब ये अच्छा, ये बात नहीं कि हमने शिकस्त के खौफ से जो है ये अलायंस किया, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ वकला की फलाह बहबूद के लिए ये अलायंस किया कि वकला मजीद तकसीम दर तकसीम ना किया जाए। जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि इससे ऊपर हम पाकिस्तान के लेवल पे भी और दो पैनल जो है वो एक ही ग्रुप को, जो जिसका अभी आली इलेक्शन हम जीत चुके हैं, लाला अफरीदी जो है वो हमारा प्रेजिडेंट आ चुका है, हम उसको सपोर्ट कर चुके हैं। तो ये इलेक्शन के हारने की वो नहीं है, खौफ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि वकला के फलाह बहबूद और वकला में जो नफरत फैलाया जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए हमने अलायंस किया।